सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज है 1.1 है मैथ की, हम ये करेंगे। तो इसे सीखने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है, मतलब क्यू के बराबर जीरो नहीं है। तो इसको हम निकालेंगे। तो इसे समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है एक्सरसाइज की, हम जो भी है क्वेश्चन दो तीन जितने भी बनेंगे हम उसको पूरे कंप्लीट करेंगे। तो इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा इसे शेयर जरूर करना। तो चलो हम इसे शुरुआत करते हैं भाई, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू है वो जीरो के इज इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो इसमें हम यहां लिखेंगे इसमें हम हल, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हां, इसमें डालेंगे हम हां शून्य, शून्य क्या होती है जीरो, शून्य क्या होती है जीरो, शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसे, या इसे हम इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह शून्य एक परिमेय संख्या है, हां शून्य एक परिमेय संख्या, इसमें यह लाइन भी डाल सकते हैं भाई, हां शून्य एक परिमेय संख्या है, या शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में, जैसे जीरो बटा वन, जीरो बटा टू, जीरो बटा थ्री और जीरो बटा फोर, इसके रूप में हम लिख सकते हैं के, जैसे के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है भाई। जो ऊपर की संख्या, जैसे हम कोई भी संख्या लेते तो पी बटे क्यू के रूप में हम मानते हैं, जैसे हम पी बटा क्यू तो जीरो है जैसे और वन है, तो जीरो क्या हो जाएगी हमारी, इसमें ऊपर का जो होता है वो अंश होता है, नीचे की जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें हर होती है। तो इसमें हम इसके रूप में लिख सकते हैं भाई, जीरो ऊपर है लेकिन क्यू के रूप में हम नॉट इज इक्वल टू है, इसमें हम जीरो के इसमें नहीं लिख सकते। तो पहला क्वेश्चन है ये, और आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दो को करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। तो अब हम चलो क्वेश्चन नंबर दो करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो की हम शुरुआत करेंगे। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दो समझेंगे, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दो है हमारा तीन और चार के बीच की छह परिमेय संख्या निकालो, क्या है तीन और चार के बीच की छह परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसमें देखो हमने कितनी संख्या निकालनी है, इसमें हमें छह संख्या निकालनी है, कितनी संख्या निकालनी है, तो जितने भी हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है उससे हम एक ज्यादा अंक लेते हैं, कितना अंक लेते हैं हम
एक ज्यादा रख लेते हैं। अगर हमें छह प्रीमियम संख्या निकालनी है तो इसमें हम रख लेंगे 6 + 1 कितना हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें कितनी संख्या दी गई है, तो 3 और 4 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। तो 3 × 7/7, 7 × 3 = 21, 21 / कितना आ जाएगा 7। और हमारे पास इसमें दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो 4 × 7/7, 7 × 6 कितना हो जाएगा इसमें 28, 28/7। तो इसमें 6 प्रीमियम बीच की संख्या, तो 6 बीच की प्रीमियम संख्या, तो इनके बीच की संख्या हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या हो जाएगी, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इनके बीच की संख्या हम लिख सकते हैं। तो 6 संख्या निकालने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हमारे पास इसमें हो चुकी है। इनको हम भाग भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें कितना दिया गया, जैसे 22 दिया गया, तो 22 को अगर हम 7 से भाग दे तो 7 × 3 = 21 और इसमें कितना आएगा 1 आएगा, तो इसमें पॉइंट लगा लेते हैं हम इसमें, तो 7 तो 3 पॉइंट इसमें 7 हो सकता है, तो 3 पॉइंट इसका आंसर 3.1 भी हो सकता है, सॉरी 3.1 हो सकता है। अब इसको हम जैसे 23 को भाग कर लेंगे, 23 को भाग कर लेंगे, फिर 24 को भाग कर लेंगे, लेकिन हम इसका आंसर ये भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अगर संख्या को हम भाग करते तो आंसर वही आएगा। तो आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें महत्वपूर्ण है, भाई अगर हमें परिमेय संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, तो सिर्फ आप इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच की पांच परिमेय संख्या निकालनी, कितनी परिमेय संख्या निकालनी के बीच की पांच परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो इसके अंदर क्या था, वो संख्या तो हमारे पास इसमें क्या थी, बगैर बटे की दी गई थी, लेकिन ये संख्या हमारे पास इसमें 3/5 और 4/5 इसमें क्या दी गई है, बीच की परिमेय संख्या दी गई है। तो अगर हमें पांच संख्या निकालनी है तो इसको हम 6 से भी इसको आगे 6 से इसको हम गुना कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे भी कर सकते हैं दोनों तरीकों से हम आपको बताएंगे। अगर 6 से 6 हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो 3/5 × में जैसे हम एक अंक फालतू लेते हैं, 6 × 3 इसमें कितना हो जाएगा 18 और 6 × 5 इसमें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 × 5 क्योंकि हमें इसमें कितनी संख्या निकालनी है, 6 × 5 संख्या निकालनी, तो इसमें हम एक अंक फाल ज्यादा ले लेंगे। लेकिन इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम 3/5 दिया गया है, तो 3 को हम अगर 5 से भाग देते तो कितना आता है इसके अंदर 0.6, कितना आता है 0.6। अगर हम 4/5 को हम 5 से भाग देते, 4/5 को अगर हम भाग देते तो इसमें कितना आता है 0.8, कितना आता है 0.8। अब इनके बीच की हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी संख्या निकालनी है हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इसके बाद इसमें कौन सी आएगी बीच की 5 परिमेय संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, तो आंसर कितना बनेगा इसमें 0.61 और इसमें 0.62 और इसमें 0.63 और इसमें 0.64 और 0.65 और 0.66 और 0.67। इनके बीच की संख्या हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 5 परिमेय कोई भी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या, 7 संख्या दी गई है, लेकिन इनके बीच की संख्या हम कोई भी संख्या निकाल सकते हैं।
हम इसके बीच की कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आशा है कि दोस्तों आपने मतलब नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज के लिए 1.1 है, इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।